ABPS न्यूज। किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसकी गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गाँव वासियों को मुख्य धारा में लाना असंभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गाँव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूक का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गांव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे में स्थित गांव लालपुर तितरी पड़ा। यह गांव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 18 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान वीरेश देवी हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए, तो गांव की प्राइमरी पाठशाला में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए, तो वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसीटाइज रोड, स्कूल निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण कराया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में हैंडपंप लगवाए गए हैं, तथा कुछ और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 20 सोलर लाइटें भी लगवाई गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर न मिलने के कारण गाँव विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। मैं ब्रेज देवी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत लालपुर तीतरी, विकास खंड मुंडा पांडे। मेरे द्वारा कराए गए कार्य जैसे कि शौचालय निर्माण, जैसे कि स्कूल निर्माण, टाइल्स स्कूल में हमने टाइल्स लगवाई हैं, और जी नल रिवॉल्व कराया है, और सड़कों का निर्माण कराया है। मैं चाहती हूँ कि सरकार द्वारा कुछ जरा जल्दी शौचालय के लिए पैसा आए, जिससे मैं ग्रामीणों का विकास करूँ। बहुत दिक्कत आ रही है गाँव वालों के लिए शौचालय के लिए। खेतों में जाते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता हम लोगों को भी।